नमस्कार, खबर है हिमाचल की, जहां कुल्लू के अस्पताल के गेट पर मांगों को लेकर एवीबीपी ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कुल्लू के जनता के साथ भेदभाव और जुमलेबाजी कर रही है। जी हां, कुल्लू जिला क्षेत्रीय अस्पताल से एक सप्ताह के भीतर 60 डॉक्टरों के तबादले होने के बाद कुल्लू अस्पताल में डॉक्टर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्पताल से 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ट्रांसफर के बाद क्षेत्रीय अस्पताल में एक मात्र हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद क्षेत्रीय अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मरीजों को इलाज करवाने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिसके कारण गरीब लोगों को इलाज करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एवीबीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि 4 दिन में डॉक्टरों की भर्ती नहीं की तो छात्र संगठन उग्र रूप धारण करेगी और कहा कि प्रदेश सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। जी हां, एवीबीपी के कार्यकर्ता मोहिंद्र सिंह ने बताया कि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों के तबादले के बाद इस अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है और यह अस्पताल एक सफेद हाथी की तरह है और अंदर से बिल्कुल खोखला बन गया है। उन्होंने कहा कि ना तो यहाँ पर डॉक्टर है और ना ही लोगों को सुविधा मिल रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार से कुल्लू की जनता के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या इन लोगों का अधिकार नहीं बनता कि यह भी इस अस्पताल से स्वास्थ्य सुविधा ग्रहण कर सके? हमारे सीएम के इलाके के भी कई हजारों मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। निकलनी चाहिए, अरे हिमालय से कोई और गंगा, अरे इस हिमालय से कोई और गंगा निकलनी चाहिए, अरे हंगामा खड़ा करना, अरे हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मित्रों, मेरा मकसद करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी जब उनका नंबर आता है तो जब डॉक्टर के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती, क्योंकि जब उन्हें पता लगता है कितने बड़े क्षेत्रीय अस्पताल में इतने बड़े भवन का निर्माण कर दिया है लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से खोखला है, यहाँ पर ना तो इस डॉक्टर की पूरी तरह से प्रबंध है और ना ही स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलता है। अब पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, क्या कुल्लू की जनता के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या इन लोगों का अधिकार नहीं बनता ये लोग इस क्षेत्रीय अस्पताल से स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रहण कर सके? आप लोगों को जरा थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि आप लोग भी इसी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के परिवार से उठकर आज सत्ता के शीर्ष पर बैठकर हिमाचल प्रदेश में राज कर रहे हैं। आप लोगों को उस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कुल्लू की जनता और तमाम हिमाचल की जनता आप लोगों ने झूठे शब्द दिखाकर लोगों से बहुत डरते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की आपने जो सुविधा है वो मुहैया नहीं करवाई। इस क्षेत्रीय अस्पताल में अपने उपचार के लिए आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर अभी तक जहाँ डॉक्टरों की कमियां निरंतर चलती रह रही है, क्या इन लोगों को यहाँ से प्राइवेट अस्पतालों में जब मजबूरी में जाना पड़ रहा है और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण क्या इन लोगों का खर्चा जो प्रदेश सरकार देगी? अगर हाँ, प्रदेश सरकार इन गरीब परिवार के लोगों का खर्चा अगर निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए देते हैं तो हम लोग आने वाले समय में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।
प्रदेश सरकार से मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा, अगर वो सक्षम है हजारों परिवार को, ऐसे नहीं हिमाचल प्रदेश में से लाखों परिवार होंगे, क्या इन लोगों को आप जो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं? आज आप लोगों ने गरीब परिवार को, आप लोगों को मालूम है कि लोग समय समय पर अपनी मांगों को उठाते रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों को यह भी मालूम है कि गरीब परिवार से जो व्यक्ति संबंध रखता है वो अपनी मांग को उठाने में सक्षम नहीं है, उसके बाद आप उनकी मांगों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद असामाजिक मुद्दों को देखकर आज सड़कों पर उतरी है और इन लोगों को राहत देने के लिए, कुल्लू की स्थानीय जनता को राहत देने के लिए, और ऐसे अनेकों चार जिले हैं, चार जिले पर लाखों लोग, हजारों लोग अपने स्वास्थ्य उपचार के लिए आते हैं। आज उन लोगों को राहत देने के लिए जो विद्यार्थी पर सड़कों पर उतरी है, अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शायद इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार ने इसी तरह का रवैया अपनाया था और उन लोगों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन वर्तमान समय में अगर बीजेपी की सरकार भी इस तरह का रवैया अपना रखती है, लोगों के साथ झूठे वादे करके उन्हें किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती, तो आने वाले समय में शायद इस तरह का माहौल ना बने कि आप लोगों को भी सत्ता से हाथ धोना पड़े। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।